गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज फादर्स डे है। डे क्या है, इनका क्या इतिहास है, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को मतलब इस बात से होना चाहिए कि कुछ स्पेशल पल, कुछ स्पेशल क्षण हम अपनों के साथ बिता सकें। हर जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है उसके लिए हम उसके लिए कुछ स्पेशल कर सकें, या उसके साथ कुछ पल बैठकर इस भागम भाग की जिंदगी में, चूंकि हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपनों के पास बैठकर थोड़ा सा समय बिता सकें, लेकिन ये इन डे के माध्यम से कम हम उस पर्सन को उस दिन स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं। प्रयास तो यही रहता है कि हम अपने से जुड़े हुए हर पर्सन को हमेशा ही अच्छा फील कराएं, जिसमें से एक रोल आता है हमारे पिताजी का। हमारे पिताजी हमारे जीवन के रियल हीरो होते हैं, जो सुख दुख में हर कदम पर हमारा साथ देते हैं और हमारे सामने एक चट्टान बनकर खड़े होते हैं, हमारे साथ साये की तरह रहते हैं। और हमको कभी एहसास ही नहीं होता है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पिता का साया होता है, हमारे पिताजी हमारे साथ होते हैं। हम कोई भी अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हमें उसको लेकर कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमको पता होता है कि हमारे ऊपर हमारे पिताजी का साया है। हमारे पिता हमारी जिंदगी के वो वास्तविक हीरो होते हैं जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव को सिखाते हैं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमको जिंदगी कैसे जीना है, लाइफ में क्या करना है ये सिखाते हैं। हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। कभी अपने पिताजी के चेहरों को आप गौर से देखिएगा जब हम उनके सामने कोई अपनी डिमांड रखते हैं और वो उसको पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छे से अच्छा कर सकें। तो कोशिश करिए, कभी भी अपने पिताजी को डिसअपॉइंट मत कीजिए, कभी भी उनको कोई दुख मत दीजिए, क्योंकि पिता हमारी जिंदगी का वो रियल हीरो होता है जो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारी कामयाबी में बहुत खुश होता है। एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी इतनी तरक्की आगे करे, इतनी तरक्की करे कि उसके बेटा या बेटी के नाम से उसका नाम जाना जाए। कोशिश करिए अपने पिता के लिए कुछ अच्छा करने की, कोशिश करिए अपने पिता को वो सम्मान दिलाने का समाज के अंदर कि जो सर उठाकर वो चल सके। एक पिता शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत मेहनत करके पाल पोस कर हम लोगों को बड़ा करता है, हम लोगों को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर देता है, बहुत मेहनत करता है, तो हमारा फर्ज यह बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ कर सकें। और जब जैसे लोग कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो समझ जाओ बेटा बिल्कुल बाप के बराबर हो गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बेटा बाप के बराबर हो गया तो बेटे का यह फर्ज भी है कि अपने पिताजी को थोड़ा सा अब वो आराम दे सके, अब उसकी बारी है मेहनत करने की, वो उसको सुख सारी सुख सुविधाएं दे सके जिससे जिसके लिए उसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। बाकी कुछ लोगों की अपनी एक ओपिनियन है कि पिताजी या माताजी इनके लिए कोई एक स्पेशल डे नहीं होता है, वो उनकी अपनी अपनी सोच है। मैं भी मानता हूं कि इन लोगों के लिए कोई एक डे नहीं बनाए, इनके लिए हर दिन बहुत स्पेशल होता है, लेकिन चूंकि एक डे को अगर हम मान लेते हैं तो उस दिन कुछ अच्छा, कुछ ज्यादा क्रिएटिव करने का मन हम लोगों का होता है, तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं कि हम आज कुछ स्पेशल करें, अपने पिताजी को कोई सरप्राइज दें, अपने पिताजी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें जिससे उनको बहुत खुशी महसूस हो। तो भाई लोग, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ के रियल हीरो हैं हमारे माता पिता, उनको कभी दुख मत दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर पिताजी का साया होता है। मैं भी, मेरे पिताजी हमेशा हमसे लल्ला कह के ही बात करते थे, कभी भी आज तक पिताजी ने हमको किसी भी चीज, किसी भी कठिनाई का सामना करने नहीं दिया। जब तक पिताजी मेरे जीवित रहे उन्होंने हमेशा मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया, हमेशा मेरे साथ साये बनकर रहे और उन्होंने जिंदगी जीना हमको सिखाया। आज हम आपके सामने जो कुछ भी हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पिताजी का भी है, और जब हमारे पिताजी का साया मेरे ऊपर से उठ गया उस दिन मुझको जिंदगी में समझ में आया कि जिंदगी जीना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उस दिन मुझको एहसास हुआ कि आज मेरे पास से
कितनी बड़ी चीज भगवान ने हमसे ले ली है। तो कोशिश करिए माँ बाप को खुशियां देने की। मैंने कई बच्चों की गाड़ी पर लिखा देखा है कि डैड गिफ्ट्स, लेकिन शायद ही एक आध गाड़ियों पर लिखा देखा होगा कि किसी के बेटे या बेटी ने अपने पिताजी को कोई गिफ्ट दिया है। ये लोग हमसे किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, इनकी कोई डिमांड नहीं है हमसे, ये केवल इतना चाहते हैं कि हम कामयाब हों। ये हमारी खुशी में अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं और हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही है कि पिताजी पूरे पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को थक हार के लौटते हैं, और अगर मेरी वजह से उनको और कोई परेशानी होती है तो उनका चेहरा और ज्यादा उतर जाता है। तो प्रयास करें, आज का जो दौर चल रहा है कि इसमें अपने माँ बाप को पूरा सम्मान दें, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करें। तो आज का फादर्स डे बस यही आपसे मेरा मैसेज है कि कुछ स्पेशल करिए, पिताजी को कुछ सरप्राइज दीजिए, कुछ अपने आप से कमिटमेंट करिए। इंटर हाई स्कूल BA BSc के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने रिजल्ट के द्वारा उनको खुश करिए और अच्छे अच्छे मंच पर उनको सम्मानित कराइए, उनको भी प्राउड फील हो, उनको भी अच्छा लगे कि उनके बेटे या बेटी की वजह से उनको आज ये सम्मान मिला है। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी। तो कोशिश करिएगा अपने परिवार के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करिए। लॉकडाउन चल रहा है, संडे का दिन है, सभी लोग घर पे होंगे, पिताजी के लिए कुछ स्पेशल करिए, एक उनको टाइट हग दीजिए और उनसे कुछ कमिटमेंट करिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए, जिससे लाइफ में उस कमिटमेंट के साथ जब आप आगे बढ़े तो आपके सामने अपने पिताजी का चेहरा हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है और अपने नाम से इनके नाम को ऊंचा उठाना है। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर अगेन हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू।